आज हम सीखने जा रहे हैं कि सीरीज स्लैम बोर्ड किस तरह से बनाते हैं। अक्सर ही लोगों को ये मुश्किल पेश आती है कि वो कोई भी काम करते हैं तो उन्हें ये चीज़ पता नहीं चल रहा होता कि ये चीज़ ख़राब है या सही है। तो जैसे कि हमारे पास ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट की टाइप्स के जो है ना, ये विनेस ओवरलोड और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम इसे जो है ना चेक करने के बारे में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप कोई भी चीज़ को जो है ना चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा ये ओवरलोड हैं, तो ये इस तरह से हम तारों के पीस भी कुछ ले लेते हैं चेक करने के लिए, ताकि आपको इस चीज़ की सहूलत हो। सही है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज हम बनाना सीखेंगे सीरीज लैम्प बोर्ड। ये हम चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा है किस तरह से बल्ब 100 वॉट का या 200 वॉट का, लेकिन फ़िलहाल ये बल्ब किसी वजह से ख़राब है इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल ये अवेलेबल है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक होल्डर जो कि इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगा। सही है, ये इसके साथ ऐसे होल्डर कनेक्ट हो जाएगा तो ये कोई भी पे अपने काम कर सकता है। उसके बाद आपने ये एक तार ले ली है, 2 पिन तार, ये हर किसी घर में अवेलेबल होती हैं। सही है, तो इस तरह से 2 पिन आपने एक साइड से लेनी है और दूसरा जो इसका एंड है वो इस तरह से आपके सामने है। सही है, एक तरफ से आपने ये इसको इस तरह से बना लेना और ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जो आप करेंगे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आती रहेंगी ये चीज़ें। तो इस तरह से आपने कर लेना, उसके बाद एक आपने ये क्लिप ऐसे लगा देना। तो उसके बाद जो है आपने इसको कनेक्ट कर देना। ये देखें, एक एंड इसका इसके साथ ऐसे कनेक्ट करना है। इसको आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ऐसे आपने कनेक्ट किया, उसके बाद जैसे आपने इसे कनेक्ट कर दिया उसके बाद फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा आपने इतना पीस लेना है जो कि थोड़ा सा 1 मीटर या 2 फीट का हो। सही है, तो ये आपने इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो जब आपका ये काम हो जाएगा उसके बाद फिर आपने इसे अच्छे से टेपिंग कर देनी है, ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। तो सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर ही अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ बताता हूँ कि आपने जब भी काम करना है आपने एटलीस्ट पाँव में जूता पहना हो, ताकि आपको ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने पाँव में जूता नहीं पहना हुआ तो इट्स मीन कि आप जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे में है और आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि 50 mA जो करंट होता है ये इंसान के वाइटल पार्ट्स को जो है डैमेज कर सकता है। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जब भी आप काम करें तो आप पूरे कॉन्शियस होके करें और टेंशन फ्री होके करें। चाहे आपको जितनी भी परेशानी हो, जैसे आपकी कोई चीज़ ऑन नहीं हो रही, फ्रिज ऑन नहीं हो रहा, एसी ऑन नहीं हो रहा, तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सिंपल एक बल्ब के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, इसमें से 2 लीडें निकली, एक हमने ये इस तरह से बनाई है और दूसरे वाली लीड हमने उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। सही है, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से है। तो इस तरह से ये वर्किंग में आएगा। तो ये इसका एक तार निकल गया, तो मैं ये चाहूँगा कि आपकी समझ में भी आ जाए कि तार को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से इसके होल्डर में से इसे निकाल देते हैं, ताकि आपको इजी समझ आ सके। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है और आपके पास जो टूल्स अवेलेबल होंगे वो आप देखें कि आपके पास एक किस तरह से वो टेस्टर होना चाहिए, और उसके बाद उसके अलावा जो आपके पास ऐसा नोक ब्लास या प्लायर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर, उसके साथ आप ये काम आसानी कर सकते हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें और ख़ुद भी सेफ़ रहें और लोग दूसरों को भी सेफ करें। तो ये इस तरह से आपने इसे कनेक्ट करना है। नॉर्मली ये होल्डर वगैरह लगाना तो लोगों को आता है, लेकिन फिर भी ये मेरा मकसद ये है आपको गाइड करने का कि आपके क्लियर आपके जहन में आ जाए। तो ये इस तरह से हमने इसे कनेक्ट किया। ये आप दोबारा समझ सकते हैं कि ये मैंने 2 पिन वायर यूज़ की है, इसकी एक वायर जाके मैंने डायरेक्ट होल्डर के साथ कनेक्ट कर दी है, ये देख सकते हैं आप, और इसकी जो दूसरा एंड है वो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया हुआ है, और इसके अंदर से जो दूसरा एंड निकला है वो ये है। तो इस तरह से ये मेरा सीरीज़ का सिलसिला कम्प्लीट होता है। तो अब मैं इसे इस पर वर्किंग करने जा रहा हूँ। तो वर्किंग करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं। ये मैंने इसे ऑन दूर रख दिया और उसके बाद मैं इसे कनेक्ट करूँगा
इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ये मैंने, ये जब आपने करना है तो अपने हाथों के ऐसे दूर रखना है, तो इस तरह से आपने ये किया। तो उसके बाद ये देख सकते हैं ये इस तरह से है, सही है। तो ये अभी हम चेक करना शुरू करेंगे वन बाय वन। ये स्विच का ओवरलोड होता है अक्सर और बेशतर, जो है हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारा ओवरलोड सही है या ख़राब है। तो ये अगर आपने इस तरह से बनाने में कामयाब हो गया तो ये देखिए आपका बल्ब ग्लो हुआ, तो ये आपने इस पर लगाया, तो ये देखें इसका मतलब है इट्स ओके, ये हमारा ओके वाला है, सही है। उसके बाद ये आम ओवरलोड है, ये आप अपने घरों में यूज़ करते हैं फ्रिज के अंदर। उसके बाद फिर ये जैसे हमने कॉइल चेक करनी है, तो ये हमने देखना है कि ये जो तार है ये बर्न हुई है या सही है। तो ये आप इस तरह से लगाएंगे, तो ये देखें ये भी ओके है, बल्ब ग्लो हो गया। तो इस तरह से ये भी ओके है, सही है। इस तरह से ये ओवरलोड है, इसे चेक करते हैं, ये देखें ये भी ओके है। तो जिस पे बल्ब ग्लो होगा वो ओके हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से करते, ये देखें ये भी ओके है। तो इस तरह से जैसे ये मेरे पास कुछ तारों के पीस थे, तो मैंने कहा था कि आपको सीखने के लिए आप एक तार का पीस है। अब आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि ये तार का पीस सही है या ख़राब है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये ऑन हो रहा है, ये देखें ऑन हो गया, ये देखें ऑन हो गया, सही है। अब अगर ये कहीं से ब्रेक होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से ऐसे ब्रेक है, सही है। अब ये तार का पीस आपस में ब्रेक है और ये यहाँ पड़ा हुआ है, सही है। तो इसे आपने बड़े गौर से समझने, यही आपको क्लियर करेगा, ये देखें। तो ये आपस में इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, देख सकते हैं आप, नहीं बल्ब जला। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ेंगे, अब देखें ये पीस हमारा इस तरह से, ये देखें, और ये इस तरह से अब इसके साथ कनेक्ट हो गया है, सही है। तो इसको मज़ीद हम करने के लिए इसको इसके साथ ऐसे ट्विस्ट भी कर देंगे, तो ये देखिए अब इसके साथ ये ग्लो होगा, ये देखिए। तो जैसे ये पीस डिसकनेक्ट होगा तो ये अब इसके साथ ग्लो नहीं करेगा। तो ये इसका बहुत इजी तरीका है, ये देखें नहीं जल रहा, ये देखिए इसके साथ ही ऑन है, ये तार का पीस ओके है, ये तार का पीस ओके है, और ये तार का पीस ओके नहीं है। इसकी वजह क्या है कि ये बीच में से हटा हुआ है। तो अगर हम इसको इसके साथ जैसे ज्वाइंट करेंगे, तो ये देखें इसने इसके साथ कंटिन्यूटी शो की, और जैसे ही इसको ऐसे हटाया और उसके बाद इसको कंटिन्यूटी फिर ख़त्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, कि मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका होगा। ये देखें सही है, ये जैसे ब्रेक होगा और ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये बहुत ईजी तरीका है, कोई भी घर पर इसे बना सकते हैं। और इसके अलावा आपने और कोई सी भी चीज़ चेक करनी है, जैसे कि मेरे पास ये भी एक ओवरलोड है, ये भी ओवरलोड यूज़ होता है, तो ये देखते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। ये देखें ये भी ओके है, ये पीस इसका ओके है, सही है। तो जो चीज़ ऑन होगी, ये अब कॉम्बिनेशन प्लायर है, इसको देखें ये आपस में इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो ये कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ है, ये कोई भी मेटल को जो है ना, जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है, कंडक्टर्स, बेसिकली कंडक्टर्स कहते हैं हम वो जिसमें से करंट पास हो सकता है। जैसे कि ये रबर है, अब रबर के अंदर से ये देखें करंट पास नहीं हो रहा। जैसे मैंने इसके कॉपर पे लगाया, ये देखें ये कंडक्टर है, ये इस रबर से करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर से करंट पास नहीं होता, और जैसे ही कंडक्टर पर आएगा तो ये कोई भी कंडक्टर होगा बेसिकली, तो ये इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो ये होम मेड सिंपल सा मैंने आपके लिए बनाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पूरे काम आएगा। और कभी भी आप कोई भी चीज़ चेक करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक और मेरे जहन में आ रहा था कि अक्सर और बेशतर जो है ना, तार काफ़ी लंबी होती है, जैसे कि एक एंड जो है ये इसका दूसरे कमरे में है और ये पॉइंट इसमें है, तो हम इसे कनेक्ट करके तो उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था एक सिंपल सा सीरीज लैम्प, तो इसकी मदद से आप ये काम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ना, ये काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी को अगर आपने जैसे एक टाइम के लिए यूज़ कर लिया है, तो ये आपके और बहुत ज़्यादा काम आएगा। अक्सर और बेशतर किसी चीज़ को चेक करते हुए हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ ख़राब है या नहीं है, तो ये हमें ये चीज़ बताएगी कि ये चीज़ हमारी ओके है या ख़राब है, फॉल्टी है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।